हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त लपा के रहम करम और फजल के साथ ठीक होंगे। तो आज के व्लॉग मैं स्टार्ट करने लगा हूँ अपने ही रूम से। आज मेरा यूट्यूब पर ये फर्स्ट व्लॉग है, इसमें मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ, जैसा कि दुबई लेबर के बारे में, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी सारी लेबर के बारे में बताने वाला हूँ, और दुबई में लेबर रूम कैसे होते हैं और लेबर कैंप के बारे में आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप लोगों ने वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहना है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना रूम दिखाने वाला हूँ कि हम लोग एक रूम में कितने लड़के रहते हैं। तो चलिए, तो ये है जी हमारा रूम। यहाँ पर हम सात लड़के, यहाँ पर दो लड़के रहते हैं, एक नीचे और एक ऊपर। यहाँ पर भी दो लड़के हैं और यहाँ पर तीन लड़के रहते हैं। यहाँ पर जो लास्ट वाला लड़का होता है उसका जो रेंट है वो थोड़ा कम होता है, दरमियान वाले का भी सेम होता है और नीचे वाले का भी सेम होता है। यहाँ पर रेंट का भी अलग-अलग हिसाब होता है, जो लड़का ऊपर होता है उसका रेंट कम होता है। तो ये है जी हमारा रूम। ये हमारा कुछ सामान पड़ा है, शैम्पू, ऑयल वगैरह, और ये कुछ किचन का सामान है, और ये एक फ्रीज़र है। इसमें क्या क्या चीज़ है, इसमें ये खीरे पड़े हैं, ये बैंगन है, और नीचे टमाटर वगैरह, अदरक, ये सारे किचन का सामान है खाने के लिए, और ऊपर का हिस्सा बिल्कुल खाली है अभी। तो दोस्तों ये है हमारा रूम, इसमें हम जो टोटल लड़के हैं वो सात लड़के रहते हैं, और इसका रेंट जो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। तो अभी मैं आपको बाहर से कैंप दिखाने वाला हूँ कि कैंप कैसा होता है और कितना बड़ा कैंप है ये, और काफ़ी ज़्यादा लड़के जो हैं वो इसमें रहते हैं, इंडियन, बंगाली, सारी कंट्री, काफ़ी कंट्रीज के लड़के हैं वो यहाँ पर रहते हैं। तो दोस्तों अभी मैं रूम से बाहर आ चुका हूँ। यहाँ पर ये देखें आप, ऐसे ही जूते वगैरह पड़े होते हैं, और ये आपको रैक लाने पड़ते हैं अपने शूज़ वगैरह रखने के लिए। तो दोस्तों अभी मैं रूम से बाहर आ चुका हूँ, मैं आपको फ्रंट से दिखाने वाला हूँ कि लेबर कैंप कैसे होते हैं। दोस्तों का ये है सिक्योरिटी रूम, और इसके सारी मस्जिद है। अभी मैं मस्जिद में इंटर होने लगा हूँ, ये दुआ लिखी है मस्जिद में दाखिल होने की। ये है जी मस्जिद। यहाँ पर ये चेयर इसलिए होती है कि कोई मजदूर आदमी हो जो बैठ नहीं सकता ज़मीन पर, वो चेयर पर बैठ कर नमाज अदा कर सकता है। तो यहाँ पर ये कुरान पाक पढ़े हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत सी रेल्स वगैरह हैं। इधर अल्लाह और इधर मोहम्मद लिखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब हम यहाँ पर न्यू शिफ्ट हुए थे, ये बिल्कुल सादा थी मस्जिद, कोई भी चीज़ इधर नहीं थी, लेकिन अभी काफ़ी चीज़ें इन्होंने रख दी हैं। तो ये है जी किचन, अभी मैं किचन में इंटर हो चुका हूँ। ये मॉर्निंग टाइम है, और रात के टाइम जो है वो रश बहुत ज़्यादा होता है, अभी मैं रात को दिखाऊंगा। तो ये है जी नाइट टाइम, नाइट टाइम में बहुत ज़्यादा रश होता है, क्योंकि जितनी भी लेबर होती है ज़्यादातर वो शाम को ही खाना बनाते हैं, इसलिए रात के टाइम बहुत ज़्यादा रश होता है। तो ये सारी जगह उन्होंने दी है अपने बर्तन रखने के लिए। तो अभी किचन के बाहर ये भाई बैठ के जो है वो चूल्हे रेडी कर रहे हैं, क्योंकि चूल्हे थोड़े कम हैं और लेबर जो है वो ज़्यादा है, इसलिए ये चूल्हे भी शाम तक रेडी होकर लग जाएंगे। तो ये है जी मेन किचन, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी कितना ज़्यादा रश है। तो यही अगर मॉर्निंग टाइम हो तो ये बिल्कुल खाली होता है। ये भाई चपातियाँ बना रहे हैं। तो यहाँ पर सभी कंट्रीज़ के लोग जो हैं वो इकट्ठे खाना बनाते हैं, वो चाहे पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, बांग्लादेशी हो और नेपाल हो, सारी कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो इकट्ठे इधर खाना बनाते हैं। और इस टाइम जो है वो किचन में गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि सारे चूल्हे जाते होते हैं, तो इस वजह से गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो अभी मैं इंटर हो चुका हूँ मशीनरी में। यहाँ पर कपड़े धोने के लिए काफ़ी ज़्यादा मशीनें जो हैं वो लगी हैं, आप जिस टाइम चाहे यहाँ पर कपड़े वॉश कर सकते हैं। और यहाँ पर इसे आपने ओपन करना है, इसमें आपने सर्फ़ डालनी है और इसे बंद कर देना है। इसके साथ ही यहाँ पर आपने एक कॉइन डालना है, एक दिरहम, और ये सारा अंदर की जगह इसकी। और जैसे ही आप इसमें एक दिरहम डालेंगे तो यहाँ पर मिनट चलना शुरू हो जाते हैं, 20 से 25 मिनट का टाइम होता है। ये कपड़ों को वॉश भी कर देती है और सुखा भी देती है, लेकिन फिर भी आपको इसे थोड़ी सी हवा लगवानी पड़ती है। और ये इसका तरीकाकार लिखा है, आप किस तरह इसमें पैसे डालेंगे और कितना टाइम चलेगी। तो अभी मैं जाने लगा हूँ टॉयलेट की तरफ। ये आ चुके हैं जी हम टॉयलेट वाशरूम की तरफ, और यहाँ पर आपको अटैच वाशरूम नहीं मिलते, अलहदा ही होते हैं, इकट्ठे होते हैं सारी लेबर के लिए।
ये सारे हाथ मुंह धोने के लिए भी जगह यही है, और यहाँ पर एक साइड पे नहाने के लिए जगह बनी है और दूसरी जगह वॉशरूम के लिए। तो ये जी सीढ़ियाँ बनी हैं ऊपर जाने के लिए, अभी मैं थर्ड फ्लोर पर जाने लगा हूँ। दोस्तों अभी मैं आ चुका छत पर, मैं आपको छत का व्यू दिखाता हूँ सारा। तो दोस्तों ये है हमारा कैंप जहाँ पर मैं रहता हूँ। इसकी जो लोकेशन है वह दुबई सोनापुर में है, और सोनापुर जो है वह दुबई का सबसे ओल्ड लेबर एरिया है। यहाँ पर जो रूम का रेंट है वो डिफरेंट है, अगर आप फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं तो रेंट ज़्यादा है, अगर आप थर्ड में रहते हैं तो रेंट कम देना पड़ता है। हम लोग फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं और हम लोग 1500 दिरहम रेंट देते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप लोगों ने कमेंट करके बताना कि आपको कैंप कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।